शाहरुख खान के डंकी ने फैंस के उड़ाए होश। 21 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई फिल्म डंकी ने फैंस को झूमने और हंसाने में किया मजबूर। फैंस ने पहले ही शो में अपना ओपिनियन दिया और कहा, जिस तरह फिल्म पठान और जवान एक्शन से भरपूर है, लेकिन यह फिल्म उसकी कॉम्बिनेशन में सबसे अलग है, बिल्कुल ही अलग। तो देखिए फैंस का रिव्यू इस मूवी के प्रति। फर्स्ट इंटरवल डेट हो चुका है डंकी का भाई, मोस्ट अवेटेड मूवी शाहरुख खान की, हाउसफुल चल रहा था, 7 AM का शो था। अभी पूरा डिटेल रिव्यू मैं आपको दूंगा मूवी खत्म होने के बाद, पर मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि ये पहली मूवी ऐसी दिखेगी आपको जहाँ पे कॉमेडी सीन्स के अंदर तालियां बज रही हैं। भाई सब मैं सही कह रहा हूँ, कॉमेडी सीन्स के अंदर तालियां बज रही हैं। जो एक ट्रेलर में विक्की कौशल का सीन था, उस सीन में और एक स्पेशल मेंशन, ठीक है बाकी मैं डिटेल आपको पूरे फुल रिव्यू में दूंगा, बट अभी तक ये बोल सकता हूँ पंजाब के सीन्स बहुत औसम चल रहे हैं, मूवी भी बहुत औसम चल रही है। फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा एकदम कॉमेडी से भरा हुआ है और अब सेकंड हाफ का वेट हो रहा है, बिकॉज इंटरवल में कुछ ऐसा आया है जहाँ मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, एक्सट्रीमली सीरियस हो गया मैटर। और अब बहुत सारे मतलब सारे यहाँ बैठे थे ना, एक भी बंदा उठा नहीं है अभी तक। सिर्फ रिव्यू में ये बात बोलूँगा, अभी इतनी जो भी मूवी चली है प्योर कॉमेडी फैमिली एंटरटेनर, एक भी बंदा एक भी सीन उठा नहीं है, कॉन्टिन्यूसली तालियाँ बजे और आपको मतलब हंसी की आवाज़। ठगिस ने इस मूवी के प्रति एक ट्वीट भी किया है, तो उसकी ट्वीट को भी देख लीजिए एक नजर। तो फिलहाल यही थे अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय डूड, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया भैया, जाओ सब्सक्राइब करो द न्यूज़मैन को। थैंक्स फॉर वाचिंग।